लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महंगाई के जिम्मेदार वो हैं जो केंद्र सरकारों में जिनको मौका मिला है, क्योंकि डीजल पेट्रोल और उनके पदार्थों की कीमत और कितना देश में आएगा कितना बाहर जाएगा ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। तो ये सही बात है जो उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस ने कम महंगाई बढ़ाई होती तो आज बीजेपी ज्यादा महंगाई ना बढ़ा पाती। इसमें गलत क्या कहा है? देखिए, मैं किसी भी मंत्री के बारे में नहीं बोलूंगा। मुझे याद आ रहा है कि काला धन कब आएगा। अब मंत्री लोगों के बारे में बुलवाओगे यहाँ से, फिर कैमरा लेकर के वहां जाओगे। और हम तो उन मंत्री लोगों से कहेंगे कि मौसम अच्छा आ गया है, हमारे घर का स्विमिंग पूल खाली है, आइए कपड़े उतार करके हम दोनों लोग स्विमिंग करते हैं वहां पर, वहीं पर तय कर लेंगे कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। भाई उनसे कहिए जिन्हें भ्रष्टाचार पे हमसे बातचीत करनी है वो आए हमारे स्विमिंग पूल पर, हम दोनों लोग नहाएंगे वहां पर और बातचीत करते रहेंगे। सर सवाल ये, 2013 में हाईकोर्ट ने जाति सम्मेलनों पर रोक लगाई, पर बीजेपी तो लगातार जाति सम्मेलन कर रही है सामाजिक। क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी कहती है कि सब कोर्ट हमारे हैं, जज हमारे हैं। क्या आपने नहीं सुना मुकुल बिहारी वर्मा जी बयान? कोई मंत्री ये कह रहा था कि सब कोर्ट और जज हमारे हैं, तो ये तो भाई अब वो ही बता सकते हैं किसके हैं लोकतंत्र में ये चीज़ें। अब हम विपक्षियों का क्या कर सकते हैं, विपक्षी लोग, जब सब कुछ तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी, विधायक तुम्हारे, सांसद तुम्हारे, मुख्यमंत्री तुम्हारे, गवर्नर तुम्हारे, राष्ट्रपति तुम्हारे, प्रधानमंत्री तुम्हारे, हमारी तो केवल जनता है बस। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके पार्टी पे जातिवादी होने का आरोप लगा और लगातार जाति सम्मेलन कर रही है। मैं आपको फिर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग जाए कि जात के अंदर भी जात होती है तो वो भी ढूंढ के निकाल लेगी भारतीय जनता पार्टी, और अगर उन्हें पता लग जाए इसके अंदर भी कुछ और है तो वो भी निकाल लेंगे ढूंढ करके, और उसके अंदर की भी बात निकली अभी कुछ दिन पहले अखबार में, आपने पढ़ा होगा, किसी ने कहा था डीएनए की बात कही थी, अभी अभी उत्तर प्रदेश में किसी ने डीएनए की बात करी थी। कम से कम हमारे पत्रकार साथियों जिन्होंने डीएनए की बात की थी उनसे आखिरकार पूछ तो लेते, ये डीएनए होता क्या है? जैसे भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता वैसे डीएनए भी नहीं दिखाई देता। सर आपने कहा 2019 में नया प्रधानमंत्री बनेगा, सर किसे देखते हैं आप नए प्रधानमंत्री के रूप में? भाई देखने में तो तुम ही अच्छे लग रहे हो। क्या बन सकते हो आप? सर एक और बात महत्वपूर्ण है, आप एक कार्यक्रम में कह रहे हैं और आपने भी कहा था, पहले आपने कहा था डिंपल जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर आपने कहा एक कार्यक्रम में गए उनसे जब पूछा गया आपने कहा। अरे पूरी बात कहा करो ना, अगर किसी ने ये कहा कि डिंपल को लड़ाना चाहिए, हम तो ऐसे हैं कि जो कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। आप कह दो कि नहीं लड़ाएंगे तो हम कहेंगे नहीं लड़ाएंगे, आप कहोगे लड़ा दोगे तो हम कहेंगे लड़ा देंगे। अगर वो हम क्यों किसी से झगड़ा करें? अगर वो चुनाव लड़ती है तब आपकी सीट कौन सी होगी? आप अगर अरे भाई हम क्यों किसी से झगड़ा करें, आप कहोगे लड़ा दो तो मैं कहूँ लड़ा दूंगा। अब ये बात दूसरों के घरों में तो है नहीं, ये बात जो लोग बहुत चिंतित रहते हैं, जो चिंता इस बात की करते हैं कि लोगों के लोग क्यों सर मुड़ा रहे हैं, कोई कोई अपने शौक से थोड़ी मुड़ा रहा है। भाई हमें भी पद अच्छा मिल जाए तो हम भी शौक से मुड़ाने लगेंगे। बधाई और बरेली में लेकिन वो तो विरोध प्रकट कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं वो लोग। सर वो तो कह रहे हैं सर मुड़ाना पुराने जन्म का पाप होता है, तो जो लोग हर दूसरे तीसरे दिन मुड़ा लेते हैं उन्होंने कितने पाप किए होंगे। ये क्या बात हुई, ये कोई बात हुई आपकी? देखिए अब ज्यादा इधर उधर की बातें मत करो। आप हम सब जानते हैं आप ध्यान हटाना चाहते हैं, किसान को MSP नहीं मिल रहा, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, व्यापारी दुखी है परेशान है, देश बर्बाद हो गया,
जांचें हो रही हैं। सुनने में आया कांग्रेस की भी कुछ, आज मैंने एक अखबार पढ़ा तो कांग्रेस की ऊपर जांच दिख रही है, नीचे हमारी जांच दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव की तारीख जल्दी आ रही है। रिवर फ्रंट क्या जानेगा कोई, अकेला रहने वाला। सोचो किसी के साथ घूमो तो पता लगेगा रिवर फ्रंट क्या होता है। इसलिए वो जांचें तो होंगी, जांचें होंगी, परेशानी आएगी। तो मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूं कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है कि लोग दुखी कैसे हों। अगर उन्हें पता लग जाए कि दुखी ऐसे हो सकते हैं तो बीजेपी वैसा करेगी। बदायूं और बरेली में 200 से अधिक लोगों की संक्रामक बुखार से मौत हो चुकी है। आप फतेहपुर में एक गलत डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, 40 महिलाएं बीमार हो गई। ऐसी सरकार है, बताइए। पता नहीं इंजेक्शन में पानी था कि कोई दवा थी, कहीं बरसात का पानी तो नहीं लगा दिया उनके शरीर में। आप क्या उम्मीद करोगे सरकार से, बताइए। आप जाइए कानून व्यवस्था को लेकर के वो नई बात कहने लगते हैं, आप जाइए बीमारी को लेकर के वो नई बात बता देंगे। नौकरी के लिए मांग करोगे तो आप कहोगे अयोग्य हैं आप। किसान अपना आलू छोड़ जाएगा तो कहेंगे आतंकवादी हैं। इसलिए लोकतंत्र के आप भी पहरेदार हो। मैं जानता हूं कि आप लोग भी सरकार हटाना चाहते हैं। ये आपकी हंसी और खुशी और ये चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप भी हटाना चाहते हो। देखिए प्रधानमंत्री बनने वाला सादिक कितना हंस रहा है। मशरूम की जरूरत है। क्या चीज? इसलिए आपको बहुत मैंने मसाला दे दिया, आपका धन्यवाद। और ऐसे ही आते रहिए, अच्छी खबर दिखाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या छूट गया तुम्हारा? लोकसभा चुनाव से पहले जो विवाद हुआ आपका शिवपाल जी का, उसके बाद लोकसभा चुनाव के समय फिर से पार्टी उन्होंने बना ली है। अरे तुम्हें क्या लेने देना उससे यार। ऐसा करो, ऐसा करो, तुम्हारे घर हम चाय पीने आ रहे हैं, तुम्हारे घर चाय पीने आ रहे हैं। अगर कहीं झगड़ा वगड़ा नहीं हो रहा हो तो हम करा देंगे आके। आप बुलाइए चाय पीने पर, आप बुलाओगे कभी चाय पीने के लिए? कहा जाता है कि वो जहाँ जाते हैं झगड़ा हो जाता है। मैंने इसीलिए कहा कि बिल्कुल ध्यान मत लगाइए, सीधा चुनाव के इंतजार करिए, चुनाव का इंतजार करिए केवल। चलिए बहुत धन्यवाद, युवाओं से हमें मिलने दो और इनकी भी तस्वीर अखबार में छापिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।